alaikum viewers and welcome back to knowledge treasure. Today our topic is phrase versus clause. Phrase or clause में क्या difference है? उनकी examples हम इस topic में आज discuss करने वाले हैं. Views phrase और clause जो हैं वो sentence के parts हैं. यानी एक sentence को हम दो parts में divide करते हैं phrase और clause में. अब इनके क्या differences हैं वो अब हम आगे देखेंगे. तो please video skip मत कीजिएगा और end तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे channel पे new है तो प्लीज़ अभी चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेज एंड क्लाउज फ्रेज़ क्या होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट इज़ यूज एज अ पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट भी ना हो जिसमें वर्ब भी ना हो और ये एज अ पार्ट ऑफ स्पीच एक्ट करता है वो हिस्सा कहलाएगा फ्रेज क्लाउज क्या होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इज यूज एज पार्ट ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस बाय इट्स सेल्फ अल्फाज का वो मजमू जिसमें सब्जेक्ट भी हो और जिसमें वर्ब भी हो और ये जो है वो एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और एज अ सेंटेंस होल भी एक्ट कर सकता है यानी अगर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है और वो हमें पूरी मायने दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है तो वो कंप्लीट सेंटेंस क्लाउज भी कहला सकता है और अगर उसमें सब्जेक्ट भी नहीं है वर्ब भी नहीं है तो वो फ्रेज़ कहलाएगा अब हम आगे इनकी मज़ीद डिफ्रेंसेज देखते हैं फ्रेजेस डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड क्लाउज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट यानी फ्रेज में सब्जेक्ट भी नहीं होता और प्रेडिकेट भी नहीं होता और क्लाउज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है अब ये प्रेडिकेट क्या होता है सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है वो कहलाएगा प्रेडिकेट फ्रेजेस कैन नॉट कन्वे अ कम्प्लीट थाट फ्रेजेस जो है वो हमें एक पूरे मायने नहीं देते क्लाउजेज कैन सम टाइम्स कन्वे अ कम्प्लीट थाट लेकिन क्लाउज कभी कभार हमें एक पूरा मैसेज पूरा मायने दे सकते हैं फ्रेजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन यानी फ्रेज अगर अलहदा से लिखा जाए तो उसका मतलब समझ में नहीं आएगा उसको किसी और सब्जेक्ट की या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पूरे मायने देने के लिए और इंडिपेंडेंट क्लाउज़ेस कैन स्टैंड लोन ऐसी क्लाउज़ेस जो इंडिपेंडेंट होती हैं जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती उनसे हमें पूरा मायने समझ में आ जाता है अब देखें टुक द ट्रेन सेंटेंस है टुक इसमें क्या है वर्ब है और ट्रेन क्या है इसमें नाउन है तो ये टुक द ट्रेन हमें इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है तो ये फ्रेज़ कहलाएगा क्लाउज क्या होगा वेबस्टर टुक द ट्रेन अब इसमें देखें सब्जेक्ट भी है टुक वर्ब भी है तो ये क्लाउज कहलाएगा ये हमें पूरे मायने दे रहा है वेबस्टर टुक द ट्रेन वेबस्टर इसमें सब्जेक्ट है और टुक द ट्रेन ये जो पूरा सेंटेंस है सब्जेक्ट के अलावा ये कहलाएगा प्रेडिकेट तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो वो क्लाउज कहला सकता है जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि फ्रेज़ में वर्ब भी नहीं होता और सब्जेक्ट भी नहीं होता अब इस एग्जाम्पल में देखें वर्ब भी प्रेजेंट है और नाउन भी प्रेजेंट है लेकिन ये वर्ब और नाउन दोनों मिल के पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे काम कर रहे हैं ये एज अ सब्जेक्ट और एज अ वर्ब यहाँ पे काम नहीं कर रहे इसलिए ये फ्रेज़ कहलाएगा एक इनकम्प्लीट मीनिंग हमें दे रहा है अब हम देखेंगे फ्रेज और क्लाउज़ की टाइप्स कौन सी हैं फ्रेजेस की एट डिफरेंट टाइप्स हैं

जो किसी नाउन की क्वालिटी बताए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी मैन के बारे में बात हो रही है तो हम उसके बारे में कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी टॉल तो वेरी टॉल दिस इज़ द एडजेक्टिव फ्रेज ये हमें उस मैन की क्वालिटी बता रहा है एडवर्ब फ्रेज़ क्या होगा एडवर्ब फ्रेज मतलब जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली ओकेजनली ये क्या है एडवर्ब फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज़ क्या होता है जो किसी चीज़ की पोजिशन को जाहिर करे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन द टेबल पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है जिसमें एक वर्ब एज एन एडजेक्टिव एक्ट करता है फॉर एग्जाम्पल सेडन बाय द ट्रेजिडी यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही इज सैडन बाय द ट्रेजडी तो यहाँ पे वर्ब सैड sad को सैडन लिखा गया है यानी ये वर्ब एज एन एडजेक्टिव यहाँ एक्ट कर रहा है इन्फिनेटिव फ्रेज़ क्या होती है इन्फिनेटिव का मतलब होता है जिसमें वर्ब के साथ किसी वर्ड को ऐड किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल टू स्विम टू रन टू स्लीप ये सारे इन सब वर्ब्स में टू का वर्ड ऐड किया गया है तो ये इंफिनेटिव हो जाएगा ये फ्रेज़ क्या है टू स्विम इन डेंजरस वाटर ये इंफिनेटिव फ्रेज हो जाएगी वर्ब फ्रेज क्या होती है जिसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो तो वो वर्ब फ्रेज होती है जीरन फ्रेज क्या होती है जिसमें वर्ब एज अ सब्जेक्ट या एज अ नाउन एक्ट करता है फॉर एग्जाम्पल ईटिंग सेल्फिश क्विकली यहाँ पे वर्ब है ईटिंग ये एज अ सब्जेक्ट या एज अ नाउन यहाँ पे काम कर रहा है इसलिए ये फ्रेज कहलाएगी जीरन फ्रेज अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउज पे टाइप्स ऑफ क्लाउज दो हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड मेक सेंस ऑन इट्स ऑन एज अ सेंटेंस अल्फाज का वो मजमू जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है और ये एक अपना मायने कन्वे कर सकता है कम्प्लीट मीनिंग दे सकता है डिपेंडेंट क्लाउज़ वो होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है लेकिन वो अपना कम्प्लीट मीनिंग नहीं देता एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जैन एट पास्ता जैन ने पास्ता खाया ये एक इनडिपेंडेंट क्लाउज़ है हमें इससे पूरा मतलब समझ में आ रहा है बिकॉज शी वॉज हंगरी क्योंकि उसे भूख लगी थी तो अब देखें अगर हम सिर्फ ये लिखते हैं बिकॉज शी वॉज हंग्री क्योंकि उसे भूख लगी थी तो ये यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है ठीक है इसे किसी और सेंटेंस की ज़रूरत है कम्प्लीट मायने देने के लिए तो अगर हम फर्स्ट वाला सेंटेंस इसके साथ कंबाइन कर देते हैं तो ये एक कम्प्लीट सेंटेंस बन जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल है सैम वेंट टू पार्क सैम पार्क गया आफ्टर ही फिनिश्ड स्कूल तो आफ्टर ही फिनिश्ड स्कूल इज़ अ डिपेंडेंट क्लाउज क्योंकि इसे किसी और क्लाउज की जरूरत है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए तो जब इनडिपेंडेंट क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज के साथ मिल जाएगा तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा एग्जाम्पल्स मजीद देखते हैं वैन आई रीच्ड होम जब मैं घर पहुंचा तो ये हमें एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है जब मैं घर पहुंचा आधा मतलब समझ में आ रहा है तो क्या तो ये इज एक इनडिपेंडेंट क्लाउज है द डोर्स वर opened. दरवाजे खुले हुए थे इंडिपेंडेंट क्लाउज है क्योंकि इससे हमें पूरा मतलब समझ में आ रहा है Put it डाउन ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है इसमें देखें सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सब्जेक्ट एक अंडरस्टोड है यहाँ पे किसके बारे में यू यानी आपके बारे में बात हो रही है Put it डाउन किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है सब्जेक्ट इसमें यू है वो अंडरस्टोड है इसलिए हमें पूरे मायने समझ में आ रहे हैं सो so, ये इंडिपेंडेंट ग्लाउज होगी फ्रेजेस की एग्जाम्पल्स देखें द गर्ल विद लॉन्ग हेयर इसमें देखें नाउन फ्रेज है क्यों क्योंकि ये द गर्ल गर्ल के बारे में बात हो रही है नाउन फ्रेज हो गया इज सिंगिंग सिंगिंग इज सिंगिंग अब देखें यहां पे वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया गया है तो ये वर्ब फ्रेज होगा वेरी लाउडली ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए ये एडवर्व फ्रेज हो गई इन द स्कूल यानी किसी पोजिशन को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए ये प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाएगी दिस वॉज द एंड ऑफ अवर टॉपिक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाहज